तो आप अच्छे हैं, आप लड़ें। बुरी सिंह जी हैं जो हमारे मुख्य संपादक हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के, मैं तो कहता हूं कि उनको लड़ाया जाए, उनको मैंडेट दिया जाए। केंद्र नरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी आपस में बटी हुई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जनादेश खो चुकी है जम्मू कश्मीर में, ये मैं कह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो रविंद्र रैना जी हैं, वो तो ये बार बार कह रहे हैं, सभी चैनल्स पे कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, भाजपा की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था रविंद्र जी ने वोट किसको दिया था, पहले जी रविंद्र जी बताएं, रविंद्र जी ने वोट किसको दिया था? गाना तो गाया था, गड्डी दौड़े पुंछ रजौरी में तका चोरी चोरी नारू बावला, तो पुंछ रजौरी वालों ने वोट किसको दिया था? मियां अल्ताफ साहब को। बीजेपी ने मियां अल्ताफ साहब को वोट दिया था, या महबूबा मुफ्ती को वोट दिया था? ये बीजेपी स्टैंड करे, वोट किसको दिया था? अगर आप एक कैंडिडेट नहीं उतार सके वहाँ पर, आप जम्मू के सिर पर नाच रहे हैं। आप दो सीटें जहाँ की लेकर हो, जम्मू की जनता, देशभक्त जनता जो है जम्मू की, वो भारतीय जनता पार्टी को आज से 50 वर्षों पुरानी वोट देती आ रही है, तो इसमें रविंद्र रैना का क्या कमाल है? क्या क्या है रविंद्र रैना ने? जहाँ पर आप झूठ बोलना बंद करें, जो लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी साहब का नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं? जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर, उनको बीजेपी ने गले लगाकर पार्टी मुख्यालय में बैठा दिया। जिन डेलीविजनों को जिन मंत्रियों ने लूटा था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वहाँ का सदर बना दिया। जो रियासी के अंदर लुटेरे थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर में बैठा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी? ये बात जहाँ तक आपने कैंडिडेट्स की बात की है, मैं ये कहूँगा, हमारे जहाँ पर कैप्टन रिटायर आए हैं, हमारे कर्नल रिटायर आए हैं, हमारे JDUs रिटायर आए हैं, हमारे हेडमास्टर्स रिटायर आए हैं, हमारे इंजीनियर्स चीफ इंजीनियर्स रिटायर आए हुए, उन लोगों को मैंडेट मिलना चाहिए रियासी के अंदर। रियासी के अंदर उन लोगों को पता होनी चाहिए कि ग्राउंड क्या है। ये लोग थोड़ी हैं कि जाएंगे सोशल मीडिया में फ़ोटो खिंचाएं आ जाएंगे, हमारा बहुत काम हो गया जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे तो आप अच्छे हैं, आप लड़ें। बुरी सिंह जी हैं जो हमारे मुख्य संपादक हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के, मैं तो कहता हूं कि उनको लड़ाया जाए, उनको मैंडेट दिया जाए। केंद्र नरेंद्र मोदी साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर आप इलेक्शन लड़ेंगे। सरपंच का इलेक्शन नरेंद्र मोदी साहब के सिर पर होगा, पंच का इलेक्शन नरेंद्र मोदी साहब के सिर पर होगा, उनके नाम पर होगा, उनके नाम पर होगा। तो आप किसी साधारण व्यक्ति को टिकट दीजिए ना, इन बड़े बड़े नामजादों को क्यों दे रहे हैं? आप चाहते हैं कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? मैं कह रहा हूं ये लाचार और मजबूर लोग हैं, इनको मत लड़ाइए। कुछ लोग तो टिकट के चक्कर में कोई दिल्ली घूम रहा है, कोई जहां पर घूम रहा है, कोई फोटो में डाल रहा है कि ये मेरी टिकट आने वाली है। ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं, ये लोगों की जनता लोगों की परेशानी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज ज्योतिपुरम के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय हमारा, मैं कह रहा हूं NHPC जो नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा सलाल में लगा हुआ है, पिछले 40 वर्षों से निरंतर काम कर रहा है, जहां पर करोड़ों रुपए प्रतिदिन का इजाफा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आज वहां पर गाड़ियां बंद कर दी गई, बच्चों को स्कूल में आने जाने की जो व्यवस्था थी वो गाड़ियां बंद कर दी गई। उन गाड़ियों को खुलवाने के लिए आम जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? उनको लाठियाँ खानी पड़ी, बच्ची की बाजू तोड़ दी गई, लोगों को लाठियां खानी पड़ी, भाजपा का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा गया। भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, अगर भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन में जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम क्या करें। आपने ये देखा होगा कि वहां पर बमा की गाड़ी एक एक्सीडेंट हुई थी जिसमें कई लोग मर गए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते थे कि तुरंत इस सड़क को हम बदल कर नया मार्ग तैयार करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या कर रहे थे पिछले 10 वर्षों से, इनको याद नहीं आया? आज इलेक्शन आई है, आज ये खून के आंसू रोने वाले शेर हैं, मगरमच्छ के आंसू देखे हैं आपने? ये वैसे रोएंगे लोगों के पास जाकर, कोई कहेगा कि मेरी मदद करो, कोई कहेगा मेरी मदद करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम उस लड़ाई में लड़ने में सक्षम। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ से भूरी सिंह जी को टिकट दी जाए, वो लड़ाया जाए, या किसी पढ़े लिखे रिटायर्ड को लड़ाया जाए, तो आपकी नज़र में अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, किसको यहाँ से मैंडेट मिलना चाहिए? वो मैं ये नहीं कहूँगा कि किस पार्टी से, लेकिन जो डेली वेजर है वो उसकी सपोर्ट करने वाला है। देखिए, डेली वेजर्स हो, परमानेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे आम जनता हो, जो हमारा एक लक्ष्य था, हम उस लक्ष्य को लेकर लड़ रहे हैं, उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात को नहीं सुना है। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है। मैंने आपको पहले भी, मैंने जो आपके चैनल पर ही कहा था, शायद आपने उसको कवर नहीं किया था,
मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दो किस्म की भारतीय जनता पार्टी है, एक जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी है, एक देश की भारतीय जनता पार्टी है। हम देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है जो डरी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के आगे, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा उस जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को गले लगाया है। अब उनका और इनका फ़र्क क्या है? अब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। ये तो इलेक्शन में गाली देते थे कि इसने इतनी चोरी की, इसने इतना नुकसान किया है। जनता पार्टी पूरे रियासी के अंदर पंच से लेकर DDC चेयरमैन तक पूरी बीजेपी बैठी हुई है, पूरी बीजेपी है। तो जे लोगों का हाल है, बीजेपी के राज में ये हाल हो रहा है। तभी दो नेता हुआ करते थे, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता और लाला